फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित टेलर। आज आपको बताने वाला हूं कि स्क्रीन पर कर्सर कैसे लाया जाता है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे, फिर सबसे पहले हम सर्च करेंगे ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मैंने इसको सर्च किया तो ये आपको ब्लू स्क्रीन वाला स्क्रीन रिकॉर्डर नो एच पे क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे, फिर ओपन करने के बाद हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें कोई ज़रूरी सेटिंग्स है जो आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रिसोल्यूशन को 1920 पे डाल देंगे। फिर इसमें बिट रेट भी है जिसको हमको 10 Mbps पे डाल देना है, और इसमें आप फ्रेम रेट भी है तो उसको हम लोग सबसे पहले डालेंगे 60 FPS पे। तो मैंने इसको डाल दिया है। और अगर आपको अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करनी है तो यूज़ माइक्रोफोन को ऑन कर देना। फिर आपको यहाँ लोगो इमेज मिलेगा, शो अ लोगो इमेज वाइल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। आपको एक फ़ोटो लेके रखनी है, गूगल से डाउनलोड कर लेनी है एक कर्सर की फ़ोटो। तो सबसे पहले हम इस ब्लू पेन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने किया है, सो ये मैंने क्लिक कर दिया। फिर आपको जो इमेज है ये होगी उस वो यहाँ दिखाएगी आपको। तो सबसे पहले मैंने ये ली है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। फिर जैसे मेरे को ये इस कर्सर की फ़ोटो चाहिए तो पहले मैं इसको सेट करेंगे हम। इसको जितना कर्सर है उतना सेट कर देना है। जैसे मैंने ये सेट कर दिया है तो मैंने ये सेट कर दिया है। फिर आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये यहाँ फ़ोटो आ चुकी है। फिर आप इसकी साइज़ बड़ी करना चाहें तो ऐसे यहाँ बड़ी कर सकते हैं ऐसे, और छोटी करना चाहें तो पीछे कर देने का। फिर फिर लोगो ओपेसिटी को 100 पे रखना है। फिर लास्ट सेटिंग जो आपको करनी है वो है शो लोगो, उस पर आप ये बंद रहेगा, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन करना है। तो ये